तमाम नाज़रीन और सामईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल अमीना ऑनलाइन अकेडमी के तहत होने वाले प्रोग्राम शब इसरा वल मेराज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का एहसान है, करम है कि उसने हमें ये बाबरकत महीना नसीब फरमाया जिसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है, और इस माह मुकद्दसा की 27वीं शब को हुजूर अलैहिस्सलाम को सफ़र मेराज नसीब हुआ। आपको इस रात वो उरूज नसीब हुआ कि जो ना आपसे पहले किसी को मिला और ना आपके बाद किसी को मिलेगा। इसी सफ़र मेराज के हवाले से आपने तिलावत भी सुनी। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में फरमाया कि सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, कि जिसने सैर कराई अपने बंदाए ख़ास को रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदुल हराम इलल मस्जिदुल अक्सा, मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिदुल अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहु, कि मस्जिदुल अक्सा वो है कि जिसका इर्द गिर्द हमने बाबरकत बनाया है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने ख़ास निशानियाँ उन्हें दिखाएँ। आयत पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने सैर का जिक्र फरमाया, सफ़र का जिक्र नहीं फरमाया। तो सैर और सफ़र में फ़र्क ये होता है कि सैर करते वक्त इंसान मकामात से लुत्फ़ानंदोज़ होता है, उनके बारे में मालूमात हासिल करता है, लेकिन सफ़र तेज़ी के साथ किया जाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सैर करवाई गई है, सफ़र नहीं करवाया गया। इसका हुक्म शरा यह है कि अगर कोई शख्स इसका इनकार करता है कि मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक की भी मेराज नहीं हुई, तो वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कुरान की आयत से साबित है। इसके अलावा मस्जिदुल अक्सा से लेकर पहले आसमान तक, पहले आसमान से सातवें आसमान तक, और सातवें आसमान से लामका तक का जो सफ़र है उसका जिक्र मुख्तलिफ अहादीस में मिलता है, मुख्तलिफ मकामात पर मिलता है। लिहाजा अगर कोई शख्स उनका इनकार करता है तो वो काफिर तो नहीं होगा, लेकिन गुमराह ज़रूर कहलाएगा। अगर कोई बिला वजह उनका इनकार करे तो वो गुमराह कहलाएगा। ये जो सफ़र था मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक का, ये रात के कुछ हिस्से में करवाया गया, और इस कुछ हिस्से की ताबीर इस तरह से की जाती है कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को ले जाया गया उस वक्त आपका बिस्तर गर्म था, आपने वजू फरमाया तो नाली में पानी बह रहा था और आपके दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, और जब आप उस सफ़र से वापस आते हैं तब भी यही मामला थे कि पानी अभी भी जारी है, बिस्तर अभी भी गर्म है और दरवाजे की कुंडी अभी भी हिल रही है। तो क्या खूब अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो चंद लम्हात में वो काम करवा दे अपने बंदाए ख़ास से जो इंसान की अकल से बहुत बालातर है। इंसानों की अकलें हैरान हो जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत बहुत कामिल है। अल्लाह ताला जिसे जो उरूज अता फरमाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर अगर हम गौर करें तो ये कोई मुहैयरुल उकूल बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल मौजूद है मिसाल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तख्ते बिल्किश मंगवाने के लिए
अपने ग़ुलामों में से ये कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्किस ला कर देगा। तो एक शरीर जिन ने कहा कि मैं इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले तख्ते बिल्किस लेकर आ जाऊँगा। अब तख्ते बिल्किस बहुत दूर मौजूद था, कई मीलों के फासले पर था और बहुत ही बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इस महफिल के ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वज़ीर थे या आपके जो सहाबी थे जिनके पास किताब का इल्म था और उन्हें आसिफ बिन बरखे उनका नाम कहा गया है, उन्होंने फरमाया कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और वो ले आए। अभी पलक झपकने में जितना वक्त लगता है, कई मीलों के सफ़र से इतना बड़ा तख्त उन्होंने वहाँ पर हाजिर कर दिया। तो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम कर सकते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से क्यों नहीं फरमा सकते? तो अल्लाह ताला ने रात के थोड़े हिस्से में आपको ये सैर कराई, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी के जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इमामत में शब मेराज को मस्जिदुल अक्सा में नमाज अदा फरमाई। हाँ, आसमानों तक का जो सफ़र है उसके बारे में बाज़ औक़ात ये बात जहन में आती है कि किसी शख्स का खला को पार करके, आसमान को पार करके पहले आसमान पर जाना और सातवें आसमान पर जाना किस तरह मुमकिन है, क्योंकि आसमान ऐसे मटेरियल से बना है कि जो फट नहीं सकता, जो खुल नहीं सकता, लेकिन किस तरीके से ये सफ़र हुआ? तो अल्लाह के हुक्म से हुआ, अल्लाह की कुदरत कामिला से हुआ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उन्होंने खुद सैर की, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें सैर करवाई। तो जब अल्लाह ने सैर करवाई है तो अल्लाह की कुदरत तो बहुत कामिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा को ज़मीन पर भेजा गया, उनके दरमियान भी ये रुकावटें थीं, उनके लिए भी खला मौजूद था, उनके लिए भी आसमान मौजूद था, लेकिन जन्नत से लेकर ज़मीन पर वो आए अल्लाह के हुक्म से। इसी तरह हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही आसमानों पर उठा लिया गया है, उनके लिए भी ये रुकावटें मौजूद थी कि दरमियान में खला है और फिर पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान और जहाँ तक अल्लाह ने उन्हें उठाया, तो उनके लिए भी ये रुकावटें मौजूद थी। लेकिन हर एक इस बात को तस्लीम करता है कि उन्हें आसमानों पर उठाया गया है। तो जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा सकता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को आसमान से भेज सकता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा भी सकता है और भेज भी सकता है, और रात के कुछ हिस्से में। फिर हमारा मानना है कि इस रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला का दीदार भी नसीब हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जागते हुए अपने सर की आंखों से अल्लाह तबारक व ताला का दीदार फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला सूरतुन नज्म में फरमाता है, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो नज़दीक हुआ और करीब हो गया, फ़कान क़ाब कौसैनि औ अदना, तो ये दो कमानों की तरह हो गया या इससे भी कम, यानी वो क़ुरब ख़ास इस कदर था कि जैसे दो कमानें एक दूसरे के करीब होती हैं, या इससे भी कम दर्जे का क़ुरब अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। और ये क़ुरब अता फ़रमाना, ये मनाजिल तय करवाना, ये मेराज अता फ़रमाना वैसे ही नहीं था, इसमें कुछ मकासद भी पोशीदा थे, इसमें कुछ राज़ो नियाज की बातें भी पोशीदा थीं। लेकिन वो बातें क्या थीं? तो अल्लाह ने फरमा दिया, फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ताला ने अपने बंदाए ख़ास को वो वही फरमाई जो उसने वही फरमाना चाहिए। यानी हम और आप उस वही का इदराक नहीं कर सकते। बहुत सारी राज़ो नियाज की बातें हुईं उस रात में, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात अता फरमाई गईं, उस रात में मोमिनों के लिए नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया गया, तो बहुत से राज़ो नियाज उस रात में पोशीदा थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह ने अपने बंदे पर जो वही फरमाना चाहिए वो वही फरमाई, मा कज़बल फुआदु मा रआ, बहुत ही प्यारी बात अल्लाह ने फरमाई कि दिल ने उस बात का इनकार नहीं किया जो आँख ने देखा, यानी आँख जिस चीज़ को देख रही थी दिल उस बात को तस्लीम कर रहा था कि अल्लाह का दीदार नसीब हो रहा है। फिर फरमाया, अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम उस बात पर झगड़ते हो जो उन्होंने देखा?
अल्लाह ने उन्हें दिखाया है, अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया है, तो तुम कौन होते हो इस पर झगड़ने वाले। वलक़द रआहु नज़लतन उख़्रा, तो याद रखो उसने एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी वो जलवा देखा। इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, इंदा जन्नतुल मावा, उस सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा भी है। मा जागल बसर व मा तगा, तो ना निगाह बहकी है और ना हद से बढ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस निगाह को जो ताकत अता फरमाई वो ना बहकी है और ना हद से बढ़ी है। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां वहां पर देखी। तो ये जो सफर मेराज था इसका मकसद सूरह बनी इसराइल में भी यही फरमाया गया कि लिनुरियहु मिन आयातिना, हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे। और यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां देखी। वो निशानियाँ क्या देखीं, उन निशानियों में से चंद का जिक्र अहादीस पाक में मौजूद है। और हमारे आज के बयान का मकसद भी यही है कि हम मेराज के सफ़र मेराज के मकसद को समझें कि ये सफ़र क्यों करवाया गया हुजूर अलैहिस्सलाम को। ये सफ़र बिलावजह नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी अमल बिलावजह नहीं है। इस मकाम पर, इस सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो चीज़ें देखी कि अगर हम इनके बारे में पढ़ें और इनको समझकर अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को, इन मुशाहिदात के बारे में पढ़ें और इनको अपने जहन नशीन करें ताकि उनकी रोशनी में हम अपना मुहासबा कर सकें, अपने आमाल को दुरुस्त कर सकें कि हम जिस रविश पर चल रहे हैं वो रविश इंतहाई गलत है। हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे रब को नाराज करने वाले हैं, जो हमारे नबी की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। चुनाचे एक मरतबा जब सफ़र मेराज जारी और सारी था तो उस वक्त आपका गुजर एक ऐसी कौम पर से हुआ कि जिनकी ज़बानें और होंठ जो हैं वो लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे, और जब उनके होंठ एक बार कट जाते तो फिर दोबारा सही हो जाते और फिर दोबारा उन्हें काटा जाता। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब हैं। तो बहुत सारे लोग अगर कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस से वो फितना पैदा करना चाह रहे हैं, मुसलमानों में फितना बरपा करना चाह रहे हैं, मुसलमानों में तफरीका डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इनके बारे में ये हदीस पाक में वाईद आई है कि इनके होंठ और इनकी ज़बानें लोहे की कैंचियों से काटी जाएंगी क़यामत के दिन, और यह अजाब मुसलसल होता रहेगा। लिहाजा अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यह मकाम दिया है कि हम दीन की बात लोगों तक पहुँचाएँ, तो हमें चाहिए कि हम खयानत का मुजाहरा ना करें, हमें चाहिए कि हम अमानतदारी के साथ दीन का पैगाम लोगों तक आम करें। जैसा कुरान और हदीस में बयान हुआ हम वैसे ही बयान करें, हम लोगों को दीन के करीब करें, ना कि अपने आमाल से, अपने बयानात से हम लोगों को दीन से दूर करें। हमें चाहिए कि हम लोगों की अगर तरबियत कर रहे हैं तो बुजुर्गान दीन और अंबियाए किराम का अदब करना भी उन्हें सिखाएं। अगर हम अदब करना नहीं सिखा रहे बल्कि तौहीद की आड़ में तौहीने रसूल की दावत दे रहे हैं, तौहीने रसूल करना सिखा रहे हैं, बुजुर्गान दीन की और सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियाँ करना सिखा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे ये वईद हमारे और आपके लिए भी हो सकती है। इसलिए अगर दीन की तालीम भी आम की जा रही है तो उसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसी तरह आपका गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ कि जिसने लकड़ियों का एक गड्ढा जमा करके रखा था, वो उसे उठा नहीं पाता था, लेकिन हिर्स की वजह से और लकड़ियाँ उसमें डालता जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। तो आपने अर्ज़ की कि यह आपकी उम्मत का वो शख्स है कि जिसके पास लोगों की अमानतें होती थी वो उन्हें अदा नहीं करता था और अमानतें अपने पास जमा कर लेता था। तो हमें और आपको गौर करना चाहिए कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोगों से अमानतें ले तो रहे हैं लेकिन उनमें खयानत कर रहे हैं।
एक अमानत हमसे संभाली नहीं जा रही, एक अमानत हमसे अदा नहीं की जा रही, लेकिन हिर्स इस कदर हमारे अंदर मौजूद है कि हम और अमानतें अपने पास जमा कर रहे हैं। तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि अगर हम समझते हैं कि हम अमानतों को संभाल नहीं सकते, हमारा नफ्स हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो फिर ये ज़िम्मेदारी उठानी भी नहीं चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पत्थर के पास से हुआ जिसमें एक सुराख है और उसमें से एक बैल निकलता है और फिर दोबारा अंदर जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या माजरा है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स का कौल है कि जो कोई फितने वाली बात करता है और फिर अपनी बात पर नादिम और शर्मिंदा होकर उसे वापस लेना चाहता है लेकिन वापस नहीं ले पाता। तो कई मर्तबा हम बड़ा बोल अपनी ज़बान से निकाल देते हैं और फिर बाद में हमें अफसोस होता है, बाद में हम पछता रहे होते हैं कि काश इसका फितना हम वापस ले लें, काश इसके फितने को हम रोक दें, लेकिन हम उस पर कादिर नहीं होते। इसी तरह सोशल मीडिया का दौर है, बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर हम अपनी कोई तस्वीर, कोई बेपर्दा तस्वीर डाल दी, कोई फहाशी वाली बात आम कर दी, कोई फहाशी वाली बात लिख ली और फिर बाद में हमें अफसोस होता है कि काश हमने ऐसा ना किया होता। फिर चूँकि वो बहुत ज़्यादा लोगों में आम हो चुकी है, उसे रोकना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, हमें अफसोस होता है। तो ये इस शख्स का हाल है कि जब कोई गलती कर लेता है फिर बाद में पछताता है, अपनी गलती को वापस लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता। तो हमें चाहिए कि बुजुर्गान दीन भी फरमाते हैं कि बोलने से पहले तोल लो। तो अगर हम अपनी ज़बान से कोई जुमला निकालते हैं तो 100 बार हमें सोचना चाहिए कि उसके नतायज क्या होंगे, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। हम जब उसके नतायज पर गौर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला गलत बात कहने से अपनी ज़बान को रोक सकेंगे, गलत काम करने से अपने आज़ा को रोक सकेंगे। लेकिन अगर बग़ैर सोचे समझे हम काम करते रहें और बातें करते रहें तो बाद के जो अफसोस और पछतावे हैं उनसे कोई बचाने वाला हमें नहीं है। हदीस मुबारक में भी है कि जो कोई आखरत पर और अल्लाह पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खैर की बात कहे या खामोश रहे। अब हमें अपने आप पर गौर कर लेना चाहिए कि क्या हमारी पूरे दिन की बातों में खैर की बातें होती हैं। अक्सर औकात तो हम ज़बान से कई गुनाह कर रहे होते हैं, किसी की गीबत, किसी के बारे में झूठ, चुगली, बोहतान, ये आम है हमारे माशरे में। तो हमें गौर करना चाहिए, हमारे नबी हमें फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो खैर की बात कहो वरना खामोश रहो। हम समझते हैं कि खामोश रहना कोई अकड़ है, कोई तकब्बुर है, हम खामोश रहने को पसंद नहीं करते। तो इसलिए गौर करना चाहिए अपने आमाल पर, अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए और बाद में होने वाले पछतावे से बेहतर है कि पहले ही बंदा अपने आमाल को दुरुस्तगी के साथ सरंजाम दे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ कि जिनके सरों को एक बड़े पत्थर से बार बार कुचला जा रहा था, फिर वो दोबारा अपनी पहली हालत पर लौट आते थे और यह अज़ाब मुसलसल हो रहा था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की कि आपकी उम्मत के बेनमाजी लोग हैं कि जो नमाजों को अपने ऊपर बोझ महसूस करते थे, जिनके लिए नमाजें पढ़ना भारी होता था। हालांकि नमाज वो अहम इबादत है जो मेराज का ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए, कि मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम को 50 नमाजें दी गईं और वो कम होकर 5 रह गईं, लेकिन इसके बावजूद सवाब हमें 50 का ही मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म अज़ली से जानता था कि ये उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, इनके लिए तो 5 नमाजें भी भारी हैं। तो हमें गौर करना चाहिए कि जो नबी हमारे लिए रात रात भर रोते रहे, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं फरमाई, जिन्होंने हमारे लिए इस कदर इबादतें फरमाई कि उनके पांव सूज जाया करते थे, इसके बावजूद हम उनके लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने को पसंद नहीं करते। हमारे पास हर काम का वक्त होता है लेकिन नमाज का वक्त नहीं होता। हालांकि फरमाया गया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज तो मोमिनीन के मेराज है। मोमिनीन के मेराज से क्या मुराद है? मेराज यानी उरूज। अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में कामयाबी मिले, आखिरत में कामयाबी मिले,
हर मकाम पर हमें उरूज हासिल हो तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सामने झुक जाएं। हम जितना झुकेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा बुलंदियाँ मिलती चली जाएंगी। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुइलत कुर्रतु अईनी फिस्सलात, कि नमाज में मेरी आँखों की ठंडक रखी गई है। तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक को अदा नहीं करना चाह रहे, हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि नमाज ज़रूर बहुत भारी है, लेकिन जो खुशू और खुजू इख्तियार करने वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखने वाले हैं, उनके लिए नमाज भारी नहीं है। तो हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम किस तरह की नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अक्सर लोग तो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनका जिस्म अल्लाह के आगे झुक रहा है, दिल कहीं और लगा हुआ होता है। तो हमें ऐसी नमाज़ें पढ़नी हैं कि हमारा जिस्म भी अल्लाह के आगे झुके, हमारा दिल भी अल्लाह के आगे झुके। जिस तरह नमाज पढ़ते वक्त हम अपने ज़ाहरी जिस्म को पाक करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने दिल को भी पाक करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे दिल से जो गंदगियाँ हैं, जो कदूरतें हैं, जो नफ़रतें हैं, जो हसद और तकब्बुर जैसी बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ दूर होंगी तो हमें नमाज़ों की हलावत नसीब होगी, हमें नमाज़ों की लज्जत नसीब होगी, हमें वो सजदे और वो सुरूर मिलेगा कि जो अल्लाह के नेक बंदों को मिला करता है। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और इस बात का यकीन रखने की ज़रूरत है कि ये ख़ास तोहफ़ा है जो हमारे और आपके लिए मेराज की रात को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ कि जिनकी शर्मगाहों पर चीथड़े लगे हुए थे और वो जहन्नम के कांटेदार झाड़ियों, जहरीले जक्कूम और गर्म पत्थरों में से खा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या माजरा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो सदकात अदा नहीं किया करते थे, जो ज़कातें अदा नहीं किया करते थे। तो इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन को गौर करना चाहिए कि हमें सोने और चांदी से तो बड़ी मोहब्बत होती है, हमें बड़ा लगाव होता है कि हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें हों, लेकिन उनका जो हक है, उनका जो माली हक अदा करने का वक्त आता है, तब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो कमाते नहीं हैं तो हम अदायगी कहाँ से करें। जब अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उस माल का भी कुछ हक है, अगर ये हक हम अदा नहीं करेंगे तो कल क़यामत में ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी कि जहन्नम की कांटेदार झाड़ियाँ खानी पड़ेंगी, जहन्नम के गर्म पत्थर मुंह में डालने पड़ेंगे, और यही सोना और चांदी जिससे आज हमें बड़ी मोहब्बत है, बड़ा लगाव है, हम किसी को देना पसंद नहीं करते, यही सोना और चांदी पिघला कर हमारे जिस्म पर लगाया जाएगा, यही सोना और चांदी सांप बनकर हमारे गलों में लपेट दिया जाएगा, उस वक्त हम क्या करेंगे। तो इसलिए अगर अल्लाह ने किसी को माली वसअत दी है तो उसे चाहिए कि वो उस माल का हक भी अदा करे, अगर हम ये हक अदा नहीं करेंगे तो कल ये माल हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लिहाजा इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए। इसके बाद आपका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ, ऐसे अफराद के पास से हुआ कि जिनके पास पाक और हलाल भुना हुआ गोश्त मौजूद था, पाकीज़ा साफ सुथरा गोश्त मौजूद था, और एक तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त मौजूद था जिसमें से वो खा रहे थे। तो हुजूर ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं कि जो अच्छा गोश्त मौजूद होते हुए भी गंदे की तरफ जा रहे हैं? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके पास हलाल अजवाज मौजूद थी लेकिन इसके बावजूद वो हराम की तरफ बढ़ा करते थे, इसके बावजूद उनकी निगाहें हराम पर हुआ करती थीं और माज़ अल्लाह वो बदकारियों में मुब्तला होते थे, नाजायज़ ताल्लुकात में मुब्तला होते थे। आज का दौर इंतहाई फहाशी का दौर है, नौजवानों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। लोग गुनाह कर रहे हैं लेकिन गुनाह को गुनाह समझते नहीं हैं, गैर महरम से बातचीत करना, दोस्तियाँ करना और फिर वो दोस्तियाँ हद से ज़्यादा आगे बढ़ा देना, ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है। हम में से हर एक को अपने ज़ात पर गौर करना चाहिए, अपने आप पर तफक्कुर करना चाहिए कि आया हम भी तो इस तरह की गलाजत में मुब्तला नहीं है। हमारे पास एक हलाल तरीका मौजूद है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का,
और अल्लाह ने हराम से मना फरमाया है, इसके बावजूद अगर हम हराम की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह अहादीस हमारे लिए भी हैं। इस सफर मेराज में हुजूर अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसी वादी से हुआ जहाँ से इंतहाई नहायत पाकीज़ा खुशगवार और ठंडी हवा आ रही थी और उसमें मुश्क की खुशबू थी और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या माजरा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जन्नत है, कि ये जन्नत की आवाज़ है जो पुकार रही है कि ऐ परवरदिगार, अपने वादे के मुताबिक मुझे मेरे बासी अता कर, क्योंकि मेरी खुशबू, मेरा रेशम, मेरा बारीक रेशम, मेरा उम्दा फर्श, मेरे मोती, मेरे मरजान, मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरे फल, मेरा शहद और मेरा दूध बहुत ज़्यादा हो गया है, बस अपने वादे के मुताबिक मुझे मेरे अहल अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुसलमान और हर मुस्लिमा, हर मोमिन और हर मोमिना जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और जिसने नेक काम किए और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया और मेरे मुकाबिल किसी को माबूद न बनाया और जिनके दिलों में मेरा खौफ मौजूद था, बस वो मुझसे सवाल करेंगे, मैं उन्हें अता करूँगा, वो मुझे कर्ज देंगे, मैं उन्हें जजा दूँगा, जो मुझ पर तवक्कुल करेंगे मैं उनके लिए काफ़ी हूँ और मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो फिर जन्नत ने अर्ज की कि मैं राज़ी हो गई। तो ये जो नेक बंदे हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि ये जो सवाल करेंगे मैं इन्हें दूंगा, ये मुझे कर्ज देंगे मैं इन्हें बेहतरीन सजा दूंगा। तो यहाँ पर कर्ज से मुराद है कि अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करना। अगर हम अल्लाह की राह में एक रुपया भी खर्च करते हैं तो सूरतुल बकरा की आयत के मुताबिक 700 गुना बढ़ाकर वो हमें वापस दिया जाएगा। इसलिए अपने माल से अगर हमें मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि हमारा माल हमें फ़ायदा पहुँचाए, तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की राह में थोड़ा भी माल अगर हम देते हैं और इखलास के साथ देते हैं तो उसकी जजा बहुत ज़्यादा है। एक हदीस पाक का खुलासा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर एक शख्स पेश होगा, अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि मैं बीमार था, तूने मेरी आयादत नहीं की, मैंने तुझसे खाना मांगा तूने मुझे नहीं खिलाया, मैंने तुझसे पानी मांगा तूने मुझे नहीं पिलाया। तो बंदा अर्ज़ करेगा कि या रब, ये तो बंदों की सिफात हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा कि अगर तू हाजतमंदों की इन हाजतों को पूरा करता तो तू मुझे उनके पास ही पाता। तो अगर अल्लाह के कोई बंदे हमारे पास सही ज़रूरत के बिना पर सवाल करते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी गरीब की मदद करना हकीकतन अल्लाह के दीन की मदद करना है। किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, उनकी हाजत रवाई करना, ये ऐसे काम हैं कि जो अल्लाह का कुर्ब हमें अता फरमाते हैं, तो हमें इन कामों में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी वादी के पास से हुआ जहाँ से नहायत भयानक और मकरूह आवाज़ें आ रही थीं। तो आपने फरमाया कि कैसी आवाज़ें हैं? जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि ये जहन्नम की आवाज़ है और जहन्नम कह रहा है कि ऐ अल्लाह, अपने वादे के मुताबिक मुझे मेरे अहल अता फरमा दे, क्योंकि मेरी जंजीरें, मेरे तौक, मेरे शौले, मेरा जक्कूम, मेरा कड़वा फल, मेरी तपिश, मेरे पत्थर, मेरा पीप, मेरा बहता हुआ खून, मेरी गहराई और मेरी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अपने वादे के मुताबिक मुझे मेरे अहल अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हर मुशरिक और मुशरिका, हर काफिर और काफिरा, हर खबीस और खबीसा, हर जाबिर और जालिम शख्स जो यौम क़यामत पर ईमान नहीं रखता, वो सब तेरे अहल हैं। जहन्नम कहेगा कि मैं राज़ी हो गया। अल्लाह तबारक व ताला हमें जहन्नम से पनाह अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला हमें जहन्नम से नजात अता फरमाए, हमें एक लम्हे के लिए भी जहन्नम में ना डाले। हम और आप इसकी गर्मी को, इसके अजाबात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम में तो वो अजाबात हैं कि जिनका ख्याल ना किसी जहन में आया, ना जिन्हें किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने उनके बारे में सुना, वो अजाबात हैं। हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे अजाबात हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब किताब दाखिल जन्नत फरमा दे। ना ही हम हिसाब दे सकते हैं और ना ही हम जहन्नम की
गर्मी को चंद लम्हात के लिए भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी सफर मेराज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात अंबियाए किराम की अरवाह से भी हुई। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इब्राहिम को खलील बनाया, उसने मुझे अजीम मुल्क दिया, मुझे अल्लाह से डरने वाली उम्मत बनाया, मेरी पैरवी की जाती है और मुझे आग से बचाया और आग को मेरे लिए ठंडक और सलामती कर दिया। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे हम कलामी का शर्फ अता फरमाया, अपने रिसालत व कलाम के लिए मुझे चुना, मुझसे सरगोशी की और मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, आले फिरौन को मेरे ज़रिए हलाक किया और बनी इसराइल को मेरे ज़रिए नजात अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे हुकूमत की नेमत दी, मुझ पर ज़बूर नाजिल की, लोहे को मेरे लिए नरम कर दिया, परिंदों और पहाड़ों को मेरे लिए मुसख़र कर दिया, मुझे हिकमत दी और फैसला सुनाने का मनसब अता फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्नात और इंसानों को ताबे किया, शयातीन को मेरे लिए मुसख़र कर दिया जो मेरे लिए इमारतें और मुजस्मे बनाते थे, मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया, मुझे ऐसा अजीम मुल्क दिया जो मेरे बाद किसी और के लिए नहीं है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे तौरात और इंजील की तालीम दी, मैं अल्लाह के इज़्ज़त से मादरजाद अंधों और बरस के मरीजों को सेहतयाब करता हूँ और मुर्दों को ज़िंदा करता था, उसने मुझे आसमान पर उठाया और कुफार से नजात दी, मुझे और मेरी वालिदा को शैतान मर्दूद के शर से अपनी पनाह में रखा और शैतान का हम पर कोई बस नहीं चलता था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब की हम्द व सना बयान करते हुए फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, तमाम लोगों के लिए बशीर और नज़ीर बनाया, मुझ पर कुरान नाजिल किया, इसमें हर चीज़ का वाज़ह बयान मौजूद है, मेरी उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया, मेरा सीना खोल दिया और मुझ पर से बोझ उतार दिया, मेरी खातिर मेरा जिक्र बुलंद किया। अल्लाह ने फरमाया ना, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो हुज़ूर फरमाते हैं मेरी खातिर मेरा जिक्र बुलंद किया, मुझे नबूवत में अव्वल और आखिर बनाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त खड़े हुए और फरमाया इन्हीं फ़ज़ाइल की वजह से हम सब पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी गई है। तो क्या मकाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो मकाम ना किसी और को मिला ना किसी और को मिलेगा। तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत बनाया गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है, लोगों के लिए भेजा गया है। तो जब अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया तो बजाय हमें अपने मुसलमान होने पर नादिम होने के, हम इस पर फ़ख्र करना चाहिए, हमें सर उठाकर चलना चाहिए। आज की नौजवान नस्ल को देखा जाए तो वो इस्लाम के अहकाम पर अमल करने में शर्म आर फील करती है, लोगों के सामने नमाज पढ़ने में शर्म आती है, लोगों के सामने पर्दा करने में शर्म आती है, लोगों के सामने दीन की बात करने में शर्म आती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। हम वो उम्मत हैं कि जिस पर फौरी अजाबात नहीं आते, हम वो उम्मत हैं कि जिसे सबसे पहले जन्नत में भेजा जाएगा। तो जब ये चीज़ें हमें अता फरमाई गई, जब ये इनामात अल्लाह ने हमें अता फरमाए और बिन मांगे अता फरमाए, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना चाहिए, दीन के अहकाम को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, दीन के अहकाम पर सही तौर पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हक अदा करने की कोशिश कर सकें। मुकम्मल हक तो हम तब भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ की कोशिश तो ज़रूर की जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना काबिल अमल बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, हम में से हर एक को अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।